কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে। তাছাড়াও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশি বিদেশি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা প্রদান, নদীপথের নিরাপত্তা বিধান। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं सुमैन रिएक्शन। तो जी, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी पद्मा ब्रिज और उसके जो इर्द गिर्द का एरिया है उसके बारे में। पद्मा ब्रिज के पास एक कंटोनमेंट एरिया बना दिया गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट की जानिब से, जिसको उर्दू में छावनी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बहुत भरा कंटोनमेंट एरिया है जहाँ पे सिक्योरिटी एवरीथिंग रिहाइश का, और ये ज़्यादातर कंटोनमेंट एरिया जो होता है आर्मी के जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। बाहर के लोग भी रह लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो है आर्मी के वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह के घर होते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इसका नाम जो है वो पहले तो मैं आपको बता दूँ। इसका नाम है बांग्लादेश आर्मी शेख रसेल कंटोनमेंट। तो बेसिकली ये क्यों बनाया गया है, इसके पीछे भी कहानी है। तो जब से आप लोगों ने देखा है कि पद्मा ब्रिज जो है स्टार्ट हुआ, और अब तो उसकी कंप्लीशन भी हो गई हुई है, और वो स्टार्ट भी हो गया हुआ, ओपन भी हो गया हुआ, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि फेरीज आती थी और उसके ब्रिज के साथ जो पिलर्स हैं उनके साथ टकरा जाती थी। तो उसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क जो है बहुत बड़ा बन गया था। तो उस चीज़ के लेते हुए बांग्लादेश ने जो इसकी सिक्योरिटी है उसका कोई इंतज़ाम तो करना था, तो उसके लिए जी यहाँ पास में कंटोनमेंट एरिया बना दिया गया है। और उसके पास ही जो है बहुत बड़ी जो सिक्योरिटी एक ग्रुप कह सकते हैं वो तायुन कर दिया गया है, उसे वहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, जो वहाँ की पद्मा ब्रिज की जो सिक्योरिटी है उसको संभालेंगे, और बेसिकली स्पेशली दुश्मन को रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया है। और दुश्मन कौन है आप लोग अच्छे से जानते हैं। पद्मा ब्रिज बनने के पीछे जो खिलाफ था, जो सबसे बड़ा मुखालिफ था इसका, वो इंडिया था। और इंडिया की जानिब से इस तरह की जो है कॉन्स्पिरेसीज की गई बांग्लादेश में। तो अब ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश में इस चीज़ को लेके ठीक है काफ़ी जो है ना स्ट्रिक्ट किस्म की एक्शंस लिए गए हैं। वेल, ये वीडियो है, अभी ये वीडियो मैं आप लोगों से देखूँगी, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। শুরুতে পদ্মসেতু নির্মাণে অর্থায়নে জটিলতা দেখা দিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে 2014 সালে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মসেতুর নির্মাণ কাজের সূচনা হয়। এই স্বপ্নের সেতুর অবকাঠামোগত অধিকাংশ কাজ আজ সমাপ্ত প্রায়। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নিশ্চিত্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত 18 সেপ্টেম্বর 2013 তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 9ম পদাতিক ডিভিশনের অধীনে গঠিত হয় 99 কম্পোজিট ব্রিগেড, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রণীত ফোর্সেস গোল 2030 বাস্তবায়নের বহিঃপ্রকাশ। এরই ধারাবাহিকতায় পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে জাজিরা ও মাওয়া অংশে সর্বমোট 235 একর জায়গায় বালি ভরাট করে ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে এই সেনানিবাস স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা এডিপির আওতায় 2015 সালে প্রায় 988 কোটি টাকা ব্যয়ে সেনানিবাস স্থাপনের প্রথম পর্বের অনুমোদন প্রদান করে, যা পরবর্তীতে 1320 কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং সেনা সদর ইঞ্জিনিয়ারিং চিফের শাখা পূর্ত পরিদপ্তরের সার্বিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় বর্তমানে এই প্রকল্পের প্রথম পর্বের কাজ চলমান রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সকল ইউনিট ও ব্রিগেড সদর দপ্তরের মূল কাঠামোগত স্থাপনাসমূহ তথা অফিস ভবন, সিঙ্গেল ম্যান ব্যারাক, কোয়ার্টার গার্ড, গ্যারাজ ইত্যাদি। এর সাথে রয়েছে রোড নেটওয়ার্ক, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও ড্রেনেজ অবকাঠামো, সীমানা প্রাচীর, আবাসিক ভবনসমূহ, সামরিক হাসপাতাল, ওয়ার্কশপ, ইনডোর ফায়ারিং রেঞ্জ ও সেনানিবাসের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য স্থাপনাসমূহ। পরিবেশ রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ ও নির্দেশনা অনুযায়ী পদ্মার তীরের এই ধুধু বালুময় ভূমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বনায়ন ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ঘনসবুজের সমারোহ তৈরি করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে প্রায় 70% সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট অন্যান্য সকল স্থাপনা পর্যায়ক্রমে নির্মিত হবে।
এই সেনানিবাসের অধীনে সেতুর নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইউনিট সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে মাওয়া প্রান্তে একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন, একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং জাজিরা প্রান্তে আরও একটি পদাতিক, একটি রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, একটি এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারি ইউনিট, ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানি, স্টেশন সাপ্লাই ডিপো, সদর দপ্তর 99 কম্পোজিট ব্রিগেড, স্টেশন সদর দপ্তর, ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, বিফ ফ্যাটেনিং প্রজেক্ট, কম্পোজিট মিলিটারি ফার্ম সহ অন্যান্য ইউনিট ও স্থাপনা সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অত্র এলাকার শিক্ষা প্রসারের নিমিত্তে সেনানিবাস এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল। এছাড়াও মার্কেট, শিশু পার্ক, সুইমিং পুল সহ অন্যান্য অবকাঠামোগত স্থাপনার কাজ চলমান রয়েছে। নবম পদাতিক ডিভিশনের অধীনস্থ এই ব্রিগেড কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট তথা CSC কর্তৃক আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে। তাছাড়াও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশি বিদেশি ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা প্রদান, নদীপথের নিরাপত্তা বিধান, সেতু নির্মাণের সাথে জড়িত সকলকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে আসছে। 99 কম্পোজিট ব্রিগেডের মাধ্যমে পদ্মা তীরবর্তী শেখ রাসেল সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। উন্নত হবে জনসাধারণের জীবনমান, বৃদ্ধি পাবে শিক্ষার প্রসার ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনা। সর্বোপরি শেখ রাসেল সেনানিবাস এই এলাকা তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে রাখবে অগ্রগণ্য ভূমিকা। জাতির পিতার নিজের হাতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি ছিল শেখ রাসেলের অব্যক্ত শিশু মনের ভালোবাসা। তাই তো বড় ভাই শেখ জামাল ও শেখ কামালের মতো তারও স্বপ্ন ছিল দেশ মাতৃকার সেবায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। শেখ রাসেলের অপূর্ণ স্বপ্নের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অত্র সেনানিবাসের নামকরণ করা হয় শেখ রাসেল সেনানিবাস, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গৌরবের। रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रही थी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से अब यहाँ पे जी सिक्योरिटी जो है वो कायम कर दी गई है। एक ब्रिगेड है जिसको इस काम के लिए रख लिया गया है कि वो पद्मा ब्रिज की जो हिफाजत है उसका काम करेगी। इसके अलावा जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ की, उसके साथ साथ ठीक है पद्मा ब्रिज की भी हिफाजत उन्हीं के जुम्मे होगी। तो काफी अच्छा लगेगा, काफी अच्छा एरिया बनाया। अभी तो जब फुली डेवलप हो जाएगा तो फिर असर पता चलेगा क्या कैसा नजर आता है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है और काफी सारी चीजें की हैं उन्होंने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही कंस्ट्रक्शन का काम जो कम्प्लीट होता है, काफी सारी डेकोरेशन होती है जो सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद होते हुए अच्छा लगा मुझे देख के। और डैट इज गुड कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी को इतनी इम्पोर्टेंस दी है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट की है और इस चीज को मेक श्योर किया है कि पद्मा ब्रिज के साथ किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन ना हो कि उसका नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़े, क्योंकि एक भारी रकम जो है पद्मा ब्रिज पे लगाई गई है, अगर उसका एक भी पिलर डैमेज होता है तो उसकी वजह से बहुत भरा नुकसान हो सकता है। तो अब बांग्लादेश की जानिब से कहा जा रहा है कि वो रेडी है रेजिस्टेंस के लिए, और ये रेजिस्टेंस किसके लिए है, वो है इंडिया के लिए। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो देख के आप लोगों को भी खुशी हुई होगी। और ये रसेल नाम का एक फौजी जवान है, उस बच्चे की आई डोंट नो ये बच्चे की तस्वीर क्यों लगाई है, ये आप लोगों ने मुझे थोड़ा समझाना था, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई ठीक है। तो उसके नाम से बेसिकली ये कंटोनमेंट एरिया जो है बनाया गया है। आई एम श्योर आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप लोगों को लाजमी बताना है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी थम्स अप देने हैं, सामने लाइक का बटन है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करके और पे क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक का पेज आप उसे भी जाके फॉलो लाइक कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।